हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आप सबके स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को एपेक्स लेजेंड जो इंडिया में खेलते हैं, भारत में, उनको सबको जहाँ पे पैकड़ दो, साइपिंग लैग की दिक्कत आती है। तो उस पर मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि सभी लोग एग्जिट लैग यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता लेकिन फिर भी पड़ता है। लेकिन आज मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिससे एग्जिट लैग से भी बढ़िया पिंग और स्टेबल पिंग आएगी, जिनके मतलब पैकेट लॉस भी आता है और नो रेज का इशू है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गेम के अंदर। तो सबसे पहले गाइस, आपको चले जाना है यहाँ पर अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में सर्च करना है मड फिश नाम का एक सॉफ्टवेयर है। मड फिश को जब आप सर्च करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो जब आप ऐसे खोलोगे तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा मड फिश पे। और जैसे ही आप ये अकाउंट बना लेंगे, यूज़र नेम और वगैरह वगैरह ईमेल डाल के अपना, तो उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड वाला जो बटन है, डाउनलोड पे आपको विंडोज़ पे, जैसे 64 बिट या जो भी आपकी विंडोज़ है वो भी कर सकते हैं। तो विंडोज़ पे जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया, जब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे बाहर आ जाएगा मड फिश लॉन्चर। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे और तो येस कर दोगे तो ऐसे खुल जाएगा, आपका लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पेड है। तो इसमें दो तरह की सब्सक्रिप्शन आती है गाइज। एक आती है जो होती है, ये देखिए आपको डाटा प्लान में खोल के दिखाता हूँ। इसमें दो तरह की गाइज सब्सक्रिप्शन आती है, एक होती है पे पर ट्रैफिक और दूसरी होती है सब्सक्रिप्शन। जैसे कि सब्सक्रिप्शन आप सब जानते हैं, जैसे एग्जिट लैग का सब्सक्रिप्शन होता है जो कि मतलब $6 का होता है आई थिंक, तो उससे आप अनलिमिटेड 1 महीना चला सकते हैं। ऐसे इसका सब्सक्रिप्शन भी होता है और पे पर ट्रैफिक भी होता है। जैसे जितना आप यूज़ करोगे आपको 30 GB मिलेगा, 40 GB मिलेगा, वो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। जितने मतलब आप पैसे ज़्यादा खर्चेंगे उतनी ज़्यादा आपको GB मिलेगी। तो उस हिसाब से आप जैसे मतलब अगर लेंगे तो उस हिसाब से आपको GB मिलेगी, और GB अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो है आपके यूसेज पे डिपेंड है। लेकिन सब्सक्रिप्शन है जो आपको अनलिमिटेड टाइप ही हो जाता है एक तरह का। जैसे मैंने यहाँ पे $3 वाला जो है लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, जिसमें मेरे को 16 Mbps बस्ट और 4 Mbps मिलती है, जो कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। 4 Mbps गेम में मैक्स स्पीड मिलेगी आपको, जो कि बहुत ज़्यादा होती है गेम के लिए। और 200 GB एक मंथ का आपको मिलेगा ट्रैफिक, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि पे पर ट्रैफिक और सब्सक्रिप्शन में। अगर मैं रिकमेंड आपको सब्सक्रिप्शन क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अगर हम जिस तरीके से चलाएंगे तो उससे अगर आप डेली की 2-3 घंटे गेम खेलते हैं तो आपका 5 से 6 GB डाटा उड़ जाएगा इस मड फिश के थ्रू। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन मतलब पे पर ट्रैफिक लेंगे तो आपका $3 में आपको मिलेगा लाइक 20-30 GB के अराउंड, तो जो कि आपका 6-7 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप 2-3 घंटे डेली खेलते हैं। तो इसलिए लाइक जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन वाला लिया, पहले मैं भी पे पर ट्रैफिक लेता था, लेकिन सब्सक्रिप्शन वाला अगर आप डेली के 2-3 घंटे खेलते हैं, ज़्यादा भी खेलते हैं, तो आपको मैं सब्सक्रिप्शन प्लान ही रिकमेंड करूंगा कि उसमें आप $3 वाला ले सकते हैं, इससे कम वाला भी ले सकते हैं आई थिंक, ट्राई कर सकते हैं आप। मेरे को अभी मालूम नहीं है लेकिन मैंने 4 Mbps वाला ही ट्राई किया, ज़्यादा वाला भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जी हाँ, यही है इसका सब्सक्रिप्शन, दो तरह के इसके प्लान हैं जो कि आप ले सकते हैं। और अभी मैं चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स पे। तो गाइस जैसे हम सेटिंग्स पे जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इसके सेटअप पे, प्रोग्राम पे जाएंगे। प्रोग्राम टाइम में आपको कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, इसको TCP रखना है, इसको भी TCP रखना है, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, फास्ट कनेक्ट ऑफ, WU जो है जे WFP आइटम मोड इसको ऑन करना है जरूरी, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको ऑन रखना है, और क्रेडिट सेविंग मोड ऑफ रखना है। तो जैसे ही आप चले जाएंगे तो आपको जे जैसे मैंने एपेक्स लेजेंड सेट किया हुआ है इधर, जे आपको कैसे करना है, इधर आइटम में जाके इक्विप आइटम में जाना है, और इधर से जे सारी गेम्स हैं, जितनी भी गेम्स हैं, आप अगर एपेक्स के अलावा कोई और गेम भी खेलते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे एपेक्स लेजेंड आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जैसे ये आ जाएगा तो यहाँ पे आपको जो इसका ये है सर्वर सेलेक्ट करना है, आप कौन से सर्वर पे खेलना चाहते हैं, जापान, सिंगापुर, ताइवान, यूरोप पे भी खेलना चाहते हैं जिस पे भी। जैसे मैं सिंगापुर पे खेलता हूँ, मेरे को लाइक सिंगापुर में अगर मैं बिना इसके खेलूँ तो मेरे को अराउंड 100 आती, कई की बात तो 200 पिंग भी आती है, आपको पता ही होगा रैंकिंग रैंक अगर आप खेलते हैं तो 200 पिंग लाइक
नहीं होगा भाई, तो इसलिए सिंगापुर सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम मड फिश विपिन जो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ गया ना आपका सर्वर लोकेशन एशिया सिंगापुर, तो इस पे आपको क्या करना है, मल्टी पाथ मोड पे जाना है। ये ध्यान रखिएगा जरूरी, मल्टी पाथ मोड। तो ये जो टावर वाला दिख रहा है इस पे मल्टी पाथ मोड पे आपको सेलेक्ट करके एशिया सिंगापुर सेलेक्ट करना है। तो इधर आपको नीचे ये शो हो जाएगा, ये मिनिमम जो आपकी आ रही है ये 88 है, ठीक है जी। जो 88 पे आप सेलेक्ट कर दोगे ऐसे, और बस इतना ही काम करना है आपको, जो जो लिखा आ गया है चेंज द मड फिश नोट। और अभी इसको, या फिर आप दो तरीके हैं, एक और तरीका आप कर सकते हैं, इसको ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों को, ये वाला बढ़िया रहेगा। ऑटो सेलेक्ट करके जब आप कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक डेढ़ मिनट लगेगा। और अगर आप जैसे लाइक मान लो पहले आप सिंगापुर खेल रहे लेकिन बाद में आप यूरोप में शिफ्ट हो रहे हो, तो आप जब यूरोप को सेटिंग में जाकर वैसे ही आपको चेंज कर देना है, यूरोप का चेंज कर देंगे जो सर्वर, तो एक डेढ़ दो मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा और रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो उसके बाद चेंज होता है। नहीं तो आपको वो पहले आपको सिंगापुर लेकर जाएगा, सिंगापुर से फिर दोबारा यूरोप पे लेकर आएगा। तो इसका कई बार इसमें पिंग ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन मेरे को ठीक आती है, ज़्यादा भी नहीं आती, कम भी नहीं आती। लेकिन अगर मैक्सिमम 100 भी आपको पिंग आएगी, लेकिन आपको स्टेबल पिंग आएगी, लाइक कोई पैगड़ लॉस नहीं आएगा। और नो रेज का इशू जो सबसे बड़ा इशू है मेरे साथ होता है भाई कभी कभी बार, तो नो रेज का इशू बहुत कम आता है, बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही रेयर चांस होता है अगर आ जाए वो अपने इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। अगर यहाँ पे अभी देखिए आप कनेक्ट हो रहा है, इसको कनेक्ट होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो मेरे को इसमें 87 पिंग शो कर रहा है। तो अभी हम चलाएंगे अपनी गेम। तो अब हमारी गाइस गेम चल चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और लोडिंग स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। और अभी आपको दिखाएंगे इधर जो लोडिंग स्क्रीन है इस पे आपको कितना पिंग शो हो रहा है, लाइक उतना ही पिंग शो होगा, अराउंड 86 to 88। कई बार इधर ऐसे होता है, ये देखिए आप पैकेट लॉस आपको आ रहा है, तो इधर भी आपको पैकेट लॉस शो हो सकता है। तो उसका आपको घबराने की चिंता नहीं, आप सीधा अपना सर्वर सेलेक्ट कीजिए और गेम में जाइए, गेम में आपका पैकेट लॉस सही हो जाएगा, क्योंकि मेन मेन्यू का वो बग हो जाता है कई बार। तो अभी मैं आपको फायरिंग रेंज में जाकर दिखाऊंगा कि कितना पिंग आता है। जब फायरिंग रेंज में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना पिंग आता है। तो गाइस ये देखिए 87-88 पिंग ही आ रहा है जितना उधर दिखा रहा है। कभी कभी ये गेम में 90-95 भी जा सकता है, लेकिन आपको जो स्टेबल पिंग और बिना पैकेट लॉस के जो नो रेज का इशू भी आता है वो भी नहीं आएगा आपको, ये गारंटी है भाई। अगर नहीं काम आता तो आप मेरे को लाइक डिस्कॉर्ड पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा गाइस गेम में 87-88 जितना उधर पिंग आ रहा है उतना ही आ रहा है। कई की बार आपको अगर आप ज़्यादा कुछ ट्वीकिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप अगर आप मल्टी पाथ मोड यूज़ कर रहे हो आपको वही करना है, उससे ही आपका पिंग कम होगा। और आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, ना कि पे पर ट्रैफिक। अगर पे पर ट्रैफिक प्लान लोगे तो आपका 5-6 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा भाई, तो फिर आप कहोगे भाई मेरा $3-4 हफ्ते में ख़त्म हो गया, इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा नहीं है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको लाइक मल्टी पाथ मोड में अगर आपको यूज़ करना है और सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, तो आप ये जो प्लान है वो आप प्ले स्टोर में इनकी ऐप आती है जो प्ले स्टोर मड फिश नाम से ही है, वो आप डाउनलोड करके ना उससे मतलब प्ले स्टोर, अगर आपके पास है कोई इंटरनेशनल या फिर पेपाल से आप नहीं कर सकते तो प्ले स्टोर से भर के आप ऐप को और अपनी आईडी को सेम आईडी से मतलब लॉगिन करके, और प्ले स्टोर से आप जैसे रिडीम करते हैं उससे भी कर सकते हैं, वो उससे भी मतलब आपका हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। थैंक यू सो मच।